आपकी दिली इच्छा है कि पावर प्ले के बाद दोनों टीमों की क्या स्थिति, तो आप देख लीजिए 65/3 विकेट तो जरूर तीन तीन दोनों टीमों में है, लेकिन रनों के मामले में मुंबई बिल्कुल हीरोज निकले हैं। मुंबई हीरोज शुरू से वो मोमेंटम प्राप्त करके रखा, जल्दी विकेट्स गए थे समीर के बाद, शाकिब ने एक शोर संभाले रखा, बाउंड्रीज वहाँ से प्राप्त करी और उसका नतीजा ये निकला कि 116 रन बोर्ड पर वहाँ पर दर्ज किए। अब खलबली यहाँ पर थोड़ी सी मची हुई है केरला स्ट्राइकर्स के खेमे में। आप देख सकते हैं कि वो हुजूम में पूरा शांत है क्योंकि उनको बाउंड्रीज एंजॉय करने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा शोर मचाए, थोड़ा उनको उत्साहित करें, थोड़ा पावर यहाँ से देने की कोशिश करें। आपको याद है कि बेंगलुरु में कर्नाटका इसी तरीके से स्टार्ट किए थे, जब फिर किच्चा सुदीप ने जाकर वो ड्रम बजाए हैं जो लिटरी पीछे से जाकर उन्होंने जो शक्ति का संचार किया है वहाँ से, फिर वो अरुण शब्बीर अहलूवालिया आए हैं गेंदबाजी के लिए, अरुण बच्चन की वो पारी याद आई और उन्होंने वहाँ से उस मुकाबले को निकाला। शांत दर्शक इतने क्यों हैं, थोड़ा सा ये बस से बार बार बात है क्योंकि तीन विकेट जल्दी जल्दी गिरे हैं। बैक टू पॉइंट शरद केलकर उतने फिट नहीं है, लड़खड़ाते नजर आए थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे, इसीलिए उनको वो 30 यार्ड सर्कल में रखा गया। पीछे बैकअप है, थर्ड मैन और स्वीपर दो खिलाड़ी हैं उनके पीछे। मणिकुटरन एक रन पर और सैजू खेल रहे हैं 4 रनों पर 7 गेंदों से 97 रन की अभी भी ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन मुंबई का अच्छा कमबैक है सुहास, अगर आप रायपुर का मुकाबला छोड़ दें, रन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, कैचेस बहुत टपकाए थे, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जयपुर में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा लेकर आए, होमवर्क करके आए, लेडी लक लेकर आए ऑफकोर्स, तो उसके बाद से मुंबई हीरोज एक अलग ही टीम नज़र आ रहे हैं। खेला ज़रूर है, टाइमिंग कितना अच्छा है, पीछे फील्डर है, एक ही रन मिलेगा, दूसरा चाहते हैं, मत करिए, अच्छा थ्रो, अच्छा थ्रो। दो गेंदों में तो शांत रखा है बल्लेबाजों को साइजू, इन्होंने एक लंबा छक्का लगाया था इसी छोर से जहां पर आप रेड टेंट देखेंगे, शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं, ये अच्छी फील्डिंग है वहां पर, उनके पार जाती तो और रन होते। तो साइजू क्रिकेट खेल जरूर सकते हैं, बैटिंग बहुत अच्छे से कर जरूर सकते हैं, बट उन्होंने जो वो इनिंग्स खेली थी इसी ग्राउंड पर, ये अच्छी फील्डिंग की एफर्ट है राजा द्वारा, तो जो उन्होंने फील्डिंग वहां पर बैटिंग की थी इसी ग्राउंड पर वो अलग टीम के खिलाफ थी, यहां पर स्तर कुछ अलग है, ज्यादा है। पहला रन हमेशा तेज भागने की कोशिश करते हैं आप, ओ ये थ्रो किसी के ऊपर तो नहीं लगी, समीर कोचर थोड़े से गुस्से में भी थे जब ये थ्रो लगाई थी उन्होंने, क्या बल्लेबाजी की थी इन्होंने जयपुर के मैदान में। समीर कोचर एंकर तो थे ही, आईपीएल में ले ही लेते ऐसे प्रदर्शन के बाद, तो शानदार पारी थी वो। जी हाँ, बहुत मजबूत दावेदारी पेश की उन्होंने, सलामी बल्लेबाज ग्रुप में, पैट्स पर क्या भटके थे, सीधा शब्बीर का ये गेंद, चंगल से कोई समस्या नहीं आ पा रहा, इत्मीनान से लीजिए, बड़े शॉट्स नहीं आएंगे तो वैसे भी रन रेट के मामले में पीछे छूटते नजर आएंगे केरला स्ट्राइकर्स। फिलहाल 93 रन चाहिए, 23/3 823 रिप्ले में देखेंगे करीब से, अच्छा गेंद पढ़कर ऊंचाई तक कुचला और पैट्स ऊपर लगाइए, पैट के थाई के नीचे जहां पर एक वो हिस्सा होता है और डाउन द लेग था, तो ये LBW का कोई चांस बनता नहीं था वहां पे। अंतिम गेंद है, 4 रन केवल मात्र दिए हैं, बहुत किफायती ओवर डाला है शब्बीर अहलूवालिया ने, और ऑन साइड की तरफ उसको ताकत से मारने का प्रयास, लीडिंग एज सिंगल के साथ यहां पर होगा समाप्त 4 के बाद 24/3 केरला।